बाबा का ये मंदिर हुआ और ये सामने वाला जो है माता पार्वती का मंदिर हुआ, जो कि यहाँ पे नए शादी 22 से पहले आप लोग आइएगा तो मंदिर में आप लोग को प्रवेश मिलेगा, और 22 के बाद आइएगा तो आप लोग चोंगा से जो होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निकल रहे हैं लोग। बड़ी धूप में आए और एक ब्लॉग बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, और हम यहाँ 3-4 दिन से यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितने लोग हैं जो कि मतलब धूप में आके यहाँ से इधर से आप आ रहे हैं लोग, और यहाँ से आने के बाद यहाँ लोगों का एंट्री हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर के लिए जो कि लोग जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस जो कि आपको हम कोशिश करेंगे कि अंदर का नज़ारा कुछ हम आप लोग को दिखाएँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं गाइस, एक मिनट भाई, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एंट्री आपको हो रही है। हर हर भोले, तो कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोग, हम लोग बाबा धाम का नगरी में पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। दोपहर के 1 बजने वाला है और हम लोग अंदर अभी जाने वाले हैं और आप लोग को दिखाने वाले हैं अंदर का मंदिर का व्यू वगैरह कि कैसा है और कितना भीड़ वगैरह चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, ले जाए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं भीड़ वगैरह चल रहा है, और ये आपको मेन द्वार हुआ अंदर जाने का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का भीड़ यहाँ पे चल रहा है, नज़ारा कुछ इस तरह का हुआ। तो हम यहाँ तकरीबन 15 से 20 साल बाद यहाँ पे आ रहे हैं गाइस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सुबह भाई लोग, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आरती हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से आरती यहाँ पे चल रहा है, और हम आपको अभी पूरा कवर करके अंदर का भी दिखाने वाले। तो गाइस हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँच चुके हैं, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे मंदिर हुआ, जो कि बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग यहाँ का भीड़ देख सकते हैं कि कितना भीड़ चल रहा है, जो कि अभी सावन भी आने में भी कुछ टाइम अभी बाकी है, फिर भी भीड़ यहाँ पे बहुत सारा चल रहा है। तो आप लोग को पूरा कवर करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ से लंबा लाइन चुका है, और यहाँ से टोटल एकदम बहुत सारा लंबा लाइन चुका है, और यहाँ से लोग एकदम आ रहे हैं, और यहाँ से आने के बाद यहाँ से शायद आपको अंदर जाया जाता है, तो आप लोग को वहाँ दिखाने वाले हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितना सारा भीड़ हो चुका है, जो कि आपको हम दिखाने वाले हैं यहाँ से। और यहाँ देख रहे सकते हैं आप लोग कि आरती वगैरह सब टोटल शुरू हो गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरती भी शुरू हो गया है यहाँ पे। और ये रहा नज़ारा कुछ सामने से रहा मंदिर का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जो कि नज़ारा कुछ इस तरह यहाँ पे रहा मंदिर का, और आपको अंदर से भी दिखाने वाले यहाँ भी देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ है, हर मंदिर में भीड़ चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आप लोग यहाँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितने लोग हैं जो कि मतलब धूप में आके यहाँ से इधर से आप आ रहे हैं लोग, और यहाँ से आने के बाद यहाँ लोगों का एंट्री हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर के लिए जो कि लोग जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और अभी सावन भी आया अभी नहीं, अभी कुछ दिन अभी बाकी यहाँ पे, फिर भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि भीड़ कितना चल रहा है, और मंदिर में लोग एंट्री कर रहे हैं। आपको हम कोशिश करेंगे कि अंदर का नज़ारा कुछ हम आप लोग को दिखाएँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं गाइस, एक मिनट भाई, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एंट्री आपको होने वाला, देख सकते हैं आप लोग मंदिर में लोग एंट्री कर रहे हैं, और अंदर में बहुत सारा भीड़ चल रहा है भाई लोग। आपको हम बाहर का दिखाने वाले हैं नज़ारा, जो कि लोग बाहर से निकलते हैं। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से एग्जिट गेट हुआ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं निकास द्वार हुआ, जो कि हरधार लोग जल चढ़ा के यहाँ पे से लोग निकल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निकल रहे हैं लोग, टोटल श्रद्धालु लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आरती वगैरह किया जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे का जो ये ज़मीन है पूरा एकदम गर्म हो चुका है गाइस, और बहुत ज़्यादा मतलब यार अंदर नीचे से बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग करने आए हैं तो आप कर सकते हैं। और श्रद्धालु लोग जो कि 5 दिन और 6 दिन से जो लोग पैदल आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ का पानी वगैरह का व्यवस्था ठीक से किया नहीं गया है, जिसके कारण दिक्कत हो सकता है लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म हो चुका है नीचे का टाइल्स वगैरह जो भी है। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाबा का पगड़ी है, जो कि बहुत लोग यहाँ पे बांध रहे हैं, इसको बोला जाता है बाबा का पगड़ी। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत लोग हैं जो कि बांध रहे हैं, जो कि नए नए लोग जो आते हैं, जो नए शादी जोड़ा जो रहते हैं वो यहाँ पे आके बंधवाते हैं। आज जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल
यहाँ पे बनवाया जा रहा है। बहुत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बांध रहे हैं लोग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक ले, ये हुआ आपका शिव, हमारे बैद्यनाथ बाबा का ये मंदिर हुआ, और ये सामने वाला जो है माता पार्वती का मंदिर हुआ, जो कि यहाँ पे नए शादी करके जो जोड़ा आता है। जो भी कंवरिया लोग, श्रद्धालु लोग यहाँ पे आने के लिए चाह रहे हैं, तो आप लोग ये मेरा वीडियो देख के ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी 22 से पहले आप लोग आइएगा तो मंदिर में आप लोग को प्रवेश मिलेगा, और 22 के बाद आइएगा तो आप लोग चोंगा से जो होता है पानी नीचे बाबा को जो चढ़ाया जाता है उस तरह करके आप लोग को चढ़ाया जाएगा। और अभी यहाँ पे पानी आप लोग अंदर जल ढार सकते हैं नीचे जो भी है। शादी जोड़ा जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बांध रहे हैं, जो कि यहाँ शिव भोले जो है इनका मंदिर से लेके आप लोग को यहाँ पे बांधा जा रहा है पार्वती के मंदिर के पास। और पता नहीं इस बंधन को क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे बुकते हैं। ये लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, बहुत कड़ी धूप में आए हैं, और एक ब्लॉग बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, और हम यहाँ 3-4 दिन से यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर वगैरह आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि करने में आपको पैसा नहीं लगता, और एक वीडियो बनाने में भाई लोग बहुत सारा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।